माझी जी का इस्तीफा पुनः इस बात को प्रमाणित करता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जी दलित समाज से आने वाले लोग, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोग, समाज के गरीब वंचित वर्ग से आने वाले लोगों को सिर्फ अपमानित करने का ही काम करते हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री जी विपक्षी एकता का नारा बुलंद करने में लगे हुए हैं, ऐसे में कब उनके नीचे से ही जमीन खिसकती जा रही है, संभवतः शायद उनको इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा। ये शुरुआत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को अस्वीकार करने वाले स्वरों के उठने की। आने वाले दिनों में संभवतः कई ऐसे और दल होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। देखिए, लोजपा रामविलास पासवान के सुप्रीमो चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से जोरदार रूप से हमला बोला है। उन्होंने मंत्री संतोष कुमार सुमन के इस्तीफा देने के बाद साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा दलितों को अपमानित करते हैं। वो चाहते हैं कि दलितों की हकमारी हो, इसीलिए इस तरीके के वो प्रताड़ित करते रहते हैं। संतोष कुमार सुमन के इस्तीफे के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा, यानी चिराग पासवान का ये आरोप है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे देश में घूम घूम कर विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है और उन्हें पता भी नहीं चल रहा है। आखिर जो बाहर के लोग आएंगे क्या समझेंगे, जिनसे अपना गठबंधन नहीं संभाल रहा वो देश और दूसरे को संभालने की क्या बात करेंगे, क्या सोचेंगे। जरा सुनिए चिराग पासवान किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर संतोष कुमार सुमन के इस्तीफे के बाद बोल रहे हैं। इतिहास गवाह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे जब जब जो भी कोई आस्था जताते हुए उनके पास वापस गया है तो वहां पर उन्हें सिर्फ धोखा और निराशा ही हाथ लगी है। माझी जी का इस्तीफा पुनः इस बात को प्रमाणित करता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जी दलित समाज से आने वाले लोग, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोग, समाज के गरीब वंचित वर्ग से आने वाले लोगों को सिर्फ अपमानित करने का ही काम करते हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री जी विपक्षी एकता का नारा बुलंद करने में लगे हुए हैं, ऐसे में कब उनके नीचे से ही जमीन खिसकती जा रही है, संभवतः शायद उनको इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा। जहां एक तरफ वो विपक्ष के घर को मजबूत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके खुद के कुनबे की गांठें यहां पे खुलती जा रही हैं। बहरहाल, ये शुरुआत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को अस्वीकार करने वाले स्वरों के उठने की। आने वाले दिनों में संभवतः कई ऐसे और दल होंगे जब जो व्यक्ति अपने खुद के घर को नहीं संभाल पा रहे हैं, ये तो उन्हीं के ही घटक दल थे ना, इतने समय से, लंबे समय से उनके साथ में थे, जब यही उनके नेतृत्व को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आने वाले दिनों में जो ये एक विपक्षी एकता का मंच तैयार करने का ये प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में जो दूसरे प्रदेशों से आने वाले नेता हैं या दल हैं, वो इनके नेतृत्व को कैसे स्वीकार करेंगे, उस पे प्रश्न चिन्ह आज की इस घटना से ही खड़ा होता है। तो आपने चिराग पासवान को सुना है किस तरीके से चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर दिख रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुछ नहीं हो रहा है, वो दलितों को अपमानित करते रहते हैं, परेशान करते हैं। आज नतीजा उनके सामने है, सिर्फ और सिर्फ चाय और नाश्ता की बात करते हैं। किस मुंह से वो देश में नेतृत्व करने की बात करते हैं जबकि उनसे बिहार ही नहीं संभल रहा है। तो चिराग पासवान के इस बयान के बारे में, संतोष कुमार सुमन के इस्तीफा देने के बारे में आप अपनी राय क्या रखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की दूसरी खबर को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।